पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गृह राज्य खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में हिंदुओं के एक मंदिर को तोड़ दिया गया। स्थानीय मौलवियों की अगुवाई में उन्मादी भीड़ ने पहले तो मंदिर में तोड़फोड़ की और जब उन कट्टरपंथियों का इससे भी मन नहीं भरा तो उसे आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने लगा जिसमें कई लोग मंदिर की दीवारों और छत को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे भीड़ ने मंदिर को तहस नहस कर दिया। डेली टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की सुन्नी देवबंदी विचारधारा की राजनीतिक पार्टी जमीयत उलेमाई इस्लाम फज्ल JUIF की ओर से आयोजित एक रैली में वक्ताओं के भड़काऊ भाषण देने के बाद नारेबाजी करती भीड़ ने मंदिर की तरफ रुख किया और उस पर हमला कर दिया। मंदिर को तोड़ने के बाद इन कट्टरपंथियों ने मंदिर में आग लगाकर उसे जलाया और दहा दिया। यह भी कहा जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मूक दर्शक बने ये सब देखते रहे। हालांकि JUIF के नेता आमिर मौलाना अत्तौर रहमान का कहना है कि मंदिर को जलाने की घटना से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वायर ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी नाम के ट्विटर हैंडल से भी इस वीडियो को ट्वीट किया गया है।